हेलो, आप सुन सकते हैं मुझे? एक जण आयो सर, आव्याम यू वर यस, देयर व्यूअर्स आर कमिंग कमिंग, राइट? आप सुन सकते हैं मुझे? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, अंजलि धनराजानी शारदा झा किंजल खामर यस, दे सिंह है यस एंड हाय हेलो अंजलि, आप सुन सकते हैं मुझे अंजलि? यस यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। किंजल खामर सेइंग हाय दिव्या नायर हेलो यस हेलो हेलो, वर्षा खारा बी बिट्टू कर ओके ओके, नीलम शांत करो, देसाई ओके। नमस्कार, अमूल लाइव में आपका स्वागत है। मैं उष्मा देसाई, इंडिया का एक छोटा सा स्टेट गुजरात और गुजरात का एक छोटा सा शहर सूरत से बोल रही हूँ। अमूल की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिनकी वजह से मुझे आप लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगी, ज्यादा बोरिंग भी नहीं बनाऊंगी। 20 से 25 मिनट आपके चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि आपके 20 से 25 मिनट कैसे मैं वैल्यूएबल बना सकूं। नॉर्मल कोई भी इंसान की जो क्षमता है कॉन्सेंट्रेशन की, वो 20 से 25 मिनट की होती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस इतने टाइम में मैं आपको जितना ज़्यादा सिखा सकूं, थोड़ी सी टिप्स दे सकूं और सूरत शहर के बारे में थोड़ी सी बातें बता सकूं। अच्छा, मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं उष्मा देसाई सूरत में रहती हूं। 20 साल से कुकिंग क्लास कंडक्ट करती हूं। मैंने टीवी शोज भी काफ़ी किए हैं और 20 सालों में करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों को खाना बनाना सिखाया है। मैंने कोई भी होटल मैनेजमेंट या कुकिंग का कोई कोर्स नहीं किया है। जस्ट जो भी भगवान की देन है, भगवान का जो एक गिफ्ट है, उसकी वजह से और मेरा जो पैशन था। सच बताऊं तो मैं जब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं एज अ प्रोफेशन कुकिंग को लूंगी। लेकिन आज कुकिंग का जो ये पैशन है मुझे जिस मकाम पे लाया है, उसका पूरा श्रेय मैं मेरे इन लॉज को देती हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और एक बहुत अच्छा मुझे गाइड किया और इंस्पिरेशन दी, जिससे मैं मेरे ड्रीम को, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। एक नॉर्मल हाउसवाइफ बनने का सपना लेके मैंने शादी की थी, लेकिन शादी के तुरंत ही बाद मैंने कुकिंग क्लास शुरू कर दिया और 20 साल से मैं लोगों को बस खाना बनाना सिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ। और खाना बनाना तो मेरा पैशन है ही, लेकिन उससे भी बड़ा पैशन मुझे लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। और जनरली मैं सारे क्विजिन पे काम करती हूँ, पंजाबी हो, लेबनीज हो, थाई, मैक्सिकन, और सब में ऑथेंटिसिटी लाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आज की डिश के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोरोना अभी जो माहौल चल रहा है वो एक ऐसा माहौल है कि सब जगह लोचा लोचा लोचा, पूरे विश्व में इसने लोचा फैला दिया है। और मैं जिस शहर में खड़ी हूँ, सूरत, वहाँ की जो बहुत पॉपुलर डिश है वो है लोचा, सूरती लोचो। नाम में लोचा है लेकिन डिश में कोई लोचा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाली ये डिश है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बहुत जल्दी भी बन जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, आप उसको बहुत अलग अलग स्टाइल से खा सकते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे लोचा के बारे में। तो लोचो बनाने के लिए एक हमें बैटर चाहिए, वो है चने की दाल का बैटर, जिसमें हमने जो मेजरिंग कप्स या फिर नॉर्मल, इसमें कोई इतना प्रोपोर्शन आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप अगर चने की दाल है तो 1/4 कप हमने उड़द दाल ली है, उसको हमने भिगो दिया 8 से 10 घंटे के लिए। और फिर उसको अच्छी तरह 8 से 10 पानी से वॉश करने के बाद हम मिक्सर जार में डालेंगे और 1/4 कप जितना पोहा, जो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं पोहा, वो पोहा को पानी में भिगो के उसको स्ट्रेन करके
पोहा के साथ ही इसको पीसना है और उसके साथ आपको डालना है थोड़ा सा तीखापन देने के लिए हरी मिर्ची। ये स्पेशली सूरती ग्रीन चिली है, सूरत में तो मिलती ही है, पता नहीं बाकी जगह पे मिलती होगी नहीं, लेकिन अगर मिलती है तो यही चिली आपको लेनी है। ये बहुत ज़्यादा तीखापन देती है और सूरत का जो पूरा खाना जो है उसको यही इन्फ्लुएंस करती है। मतलब तीखा कोई भी हम लोग रूटीन खाना भी जो खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, तो सब में हम लोग इसी चिली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको इतने प्रपोर्शन में 6 से 8 ग्रीन चिली तीखी वाली और करीब 20 से 25 ग्राम जितना अदरक, उसको साथ में पानी डाल के और थोड़ा सा 1/4 कप जितना दही। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रेसिपी मैं जो बता रही हूँ वो ही परफेक्ट है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्टाइल से इसको बनाते हैं, कोई लोग दही डाल के बनाते हैं, कोई दही नहीं डालता है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा दही डाल के इसको पीसती हूँ और पीसने के बाद मैं उसको फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ। तो 8 से 10 घंटे के लिए हम लोग उसको फर्मेंट होने देंगे और उसके बाद जो हमारा बैटर रेडी होगा फिर उसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे। तो सॉल्ट ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप चाहे तो पीसते वक्त भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है पीसते वक्त तो आप ये टाइम पे भी, जब आप हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे उस टाइम पे भी हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बैटर है उसको हम लोग स्टीम करेंगे। स्टीमिंग प्रोसीजर से ये पूरी डिश बनेगी और आपने सुना होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे नॉन गुजराती लोग, गुजरात से बाहर के बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं जिनको ज़्यादा गुजराती डिश के बारे में 430 पीपल ओके तो जो भी मुझे लोग देख रहे हैं तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो हम लोग गुजराती डिश जो होती है ढोकला और वो सब उसी फैमिली से है। गुजरात की डिश आपको पता होगी, ढोकला है, मुठिया है, पात्रा है, खांडवी है, खमन है, लोचो है, तो उसी फैमिली की ये डिश है। और बहुत सालों पहले जब ये इन्वेंट हुई थी तो रियली एक फरसान वाले की शॉप में लोचा हो गया था, इसीलिए खमन बनाने गए और लोचा बन गया और तभी से इस डिश का नाम लोचो बन गया है। हमने इसमें फूड सॉल्ट ऐड किया है, जब हम इसको स्टीम करेंगे तब इसमें फूड सॉल्ट ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा लाइट और फ्लफी बनेगी हमारी ये डिश। स्टीमर हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया है और हमने प्लेट को ग्रीस कर दिया है और ये जो बैटर है वो इसके अंदर हम लोग डालेंगे। आप जितना पोर्शन स्टीम कर रहे हैं, जितना प्रोपोर्शन इसमें डालेंगे उतने ही प्रोपोर्शन में आपको फूड सॉल्ट ऐड करना है। इससे ज़्यादा आपको मतलब अगर मैं दूसरी बार स्टीम करूँगी तो वापस फूड सॉल्ट ऐड करूँगी। ठीक है, तो हम लोग ने इतना ही प्रोपोर्शन का फूड सॉल्ट थोड़ा सा ऐड किया है और इसको 10 मिनट में ये स्टीम होके रेडी हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मल तो ये डिश खाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि स्ट्रीट फूड इसको बोलते हैं और बहुत सारे सूरत के लोगों का ये ब्रेकफास्ट है। ठीक है, अभी का माहौल की बात मैं नहीं करूँगी, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है उस टाइम पे ये सुबह सुबह लोग इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 7 बजे हमारी जो ये शॉप है, फरसान की दुकानें हैं, वो खुल जाती है और बहुत सारे लोग वहीं पे खाते हैं, कोई लोग पार्सल लेके घर पे लेके उसका आनंद लेते हैं। उष्मा, समबडी इज आस्किंग मैम दाल और चूरा का रेशियो बताइए। दाल इसमें देखो कोई भी प्रोपोर्शन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हमने, जैसे मैंने जो अभी प्रोपोर्शन लिया है 1 कप अगर चने की दाल है तो 1/4 कप हमने उड़द दाल डाली है। समझो आप उड़द दाल भूल भी जाते हैं तो भी आपका बनेगा। और मैंने भिगोने का टाइम 8 से 10 घंटा बताया है, अगर इतना टाइम नहीं है 2 से 3 घंटा भी भिगोएंगे तो भी ये डिश बन जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान कुछ रखना नहीं है, थोड़ी सी चने की दाल, जैसे इतना जो प्रपोर्शन मैं बता रही हूँ उसमें से 2 से 3 लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, 2 से 3 लोग इसको खा सकते हैं, इतना प्रपोर्शन में ये रेडी होगा। अच्छा, तो आप कुछ भी अगर मैं आगे सिखाऊंगी, कुछ क्वेरीज है तो आपको पूछते जाइए तो मैं बताती जाऊँगी। ओके, तो ये लोचा हमने स्टीम करने के लिए रख दिया है और अभी इसको, जैसे मैंने बोला, इसको सिर्फ ऊपर तेल या अमूल का बटर डाल के इसको सर्व किया जाता है, तो बटर लोचो बहुत ज़्यादा फेमस है। बटर लोचो के साथ ग्रीन चटनी, प्याज और सेब, इसके साथ इसको सर्व किया जाता है। लेकिन ये डिश को हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट देंगे, मेरे स्टाइल से एक अलग ट्विस्ट दिया है। इस डिश को हम लोग बना रहे हैं सिजलिंग लोचो, तो सिजलिंग लोचो के लिए हमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और चाहिए, जिसके लिए हमने थोड़े से वेजिटेबल्स लिए हैं। वैसे ये जो है कॉर्न है, कैप्सिकम है, पनीर है और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन है।
एक मिनट उसमें somebody is asking how much water to add while grinding और पोहा का proportion, पोहा का 1 कप अगर चने की दाल है तो 1/4 कप उड़द दाल और 1/4 कप पोहा, जिसको नॉर्मल पानी से धो के फिर आपको मिक्सर जार में ऐड कर देना है, और इतना पीसने के लिए आपको 1 कप जितना पानी चाहिए, और पीसने में अगर प्रॉब्लम हो रही है लेकिन पीसते वक्त आप थोड़ा सा कम पानी डालो, ये मेरी एडवाइस है, और उसके बाद आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग 1/4 कप दही डाल रहे हैं, तो थोड़ा पानी पीसने के लिए कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 1/2 कप जितना, या अगर 1/2 कप में प्रॉब्लम हो रही है, डिपेंड्स अपॉन द मिक्सर ग्राइंडर जो है आपका कितना पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर पावरफुल है तो बहुत कम पानी में बहुत अच्छा पीस जाएगा, और हल्का सा अगर दलदला सा पीसेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाकी पीसने के बाद समझो गलती से आपने पानी ज़्यादा भी डाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका बैटर जो है वो ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा ढीला रखना है, रनी रखना है, जिसकी वजह से ये जो डिश है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मेल्टिंग माउथ बनेगी। ओके, और आपका स्टीमर कौन सी कंपनी का है, शिखा जी वाजपेयी पूछ रही है। स्टीमर हमारा वंडरशेफ का है। ओके, इनो का भी प्रपोर्शन बताइए। इनो का प्रपोर्शन जैसे एक हम लोग ढोकला की थाली या नॉर्मल जो भी थाली का प्रपोर्शन है उसमें 4 से 5 ग्राम, थोड़ी सी बड़ी थाली है तो 5 ग्राम, छोटी है तो 4 ग्राम, उससे भी छोटी है तो 3 ग्राम। ओके, तो इतना सा फूड सॉल्ट डाल के हम लोग इसको स्टीम करने के रखेंगे, 10 मिनट में स्टीम होकर रेडी हो जाएगा, तब तक हम लोग दूसरा जो हमारे इसके साथ एकम्पनीमेंट है उसकी शुरुआत करेंगे। अमूल बटर, अमूल के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं 20 साल से इस प्रोफेशन में हूं, तो मैं कभी कभी सोचती हूं कि अगर अमूल ना होता तो क्या होता, रियली मेरा क्या होता। ऐसा नहीं है कि मैं आज अमूल के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूं इसलिए अमूल की तारीफ कर रही हूं, नो नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियली जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में या फिर मेरे जैसे जैसे लोगों को खाना बनाना सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें बहुत सारी डिश ऐसी होती है जिसमें अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे अगर अमूल मिठाई मीट की बात करूँ तो आजकल लोग ब्राउनीज और केक्स उसके बगैर बना ही नहीं पाते हैं, एग फ्री की बात कर रही हूँ मैं, तो पूरे लॉकडाउन में लोगों ने इतनी ज़्यादा केक बनाई है मैं क्या बताऊँ। मार्केट में अमूल प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई थी, अगर हम कुछ भी लेने जाए तो ना अमूल बटर अवेलेबल है, ना मिठाई मीट अवेलेबल है, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हुई है। अगेन देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, दही का मेजरमेंट बताइए, और पूरा क्रश करना है कि सेमी क्रश करना है, पूरा क्रश करना है। हम लोग एक कंफ्यूजन को साइड में रखते हैं, पूरा क्रश कर दो आप, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पूरा क्रश कर दो, 1 कप चने की दाल, 1/4 कप उड़द दाल, 1/4 कप पोहा और 1/4 कप दही, दैट्स इट। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसको ग्राइंड करते हैं उस टाइम पे उसको बहुत अच्छे 8 से 10 पानी से धोना है। हाँ, कम धोएंगे तो उसमें से एक टिपिकल स्मेल आएगी, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अभी हमने स्टर फ्राई करना है ये चिली, ठीक है, ये चिली जो तीखी कम होती है। ओके, हाँ, और यहाँ ये इस चिली के बारे में अगर मैं आपको एक टिप दूँ तो ये हैलोपिनो चिलीज जो आप पिज्ज़ा में पास्ता में जो डालते हैं, जो बोतल में मिलती है, थोड़ी सी कॉस्टिंग भी तो उसकी हाई रहती है, तो 5 to 10 रुपीज़ में अगर आपका काम हो जाएगा, अगर आपके पास ऐसे चिलीज अवेलेबल है, इसको अच्छी तरह वॉश करके उसको ऐसी स्लाइस करके आप विनेगर में इसको थोड़ा सा कांच की बोतल में ढक कर रख देंगे 24 to 48 आवर्स के लिए, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके बाद ये जो मैं पूरा सा एक मैरिनेट होके जो चिली रेडी होगी वो हैलोपिनो चिलीज का काम करेगी। ठीक है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस चिली को हम लोग स्टर फ्राई कर रहे हैं, और इसमें देयर आर 2 सजेशंस उष्मा जी। हाँ जी, रतिका वाटिया इज सेइंग प्लीज शेयर द रिटर्न रेसिपी आल्सो। ओके, एंड मिस्टर नीरव जोशी इज सेइंग एट द एंड ऑफ द वीडियो सेंड द होल रेसिपी हियर which will be helpful for whom who have joined later. Yes, yes, definitely. मैं बाद में एक recap भी कर दूंगी। Okay, अब मेरे साथ and one more person telling please थोड़ा शांति से बताओ। Okay, ठीक है। इसमें हमने अमूल बटर में इसको चिली को स्टर फ्राई किया है। उसमें हल्का सा नमक और थोड़ा सा विनेगर डाला है। विनेगर चाहे आप ब्राउन डालो या वाइट विनेगर डालो, अगर ये दोनों नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ठीक है,
इन शॉर्ट मुझे ये हल्की सी सॉल्टी और बटरी और थोड़ी सी खट्टापन, ये जो चिली है उसमें मुझे वो टेस्ट चाहिए। ओके, ये हमारी चिली रेडी हो चुकी है, इसको मैं वापस इस अच्छा आज की जो डिश हम लोग बना रहे हैं, आज की डिश जो हम बना रहे हैं वो सीजलिंग लोचो है, राइट। तो सीजलर के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट रहती है कि हमारा हम जो डिश बनाते हैं वो सीजल नहीं करता है, और बहुत सारे लोग इंक्वायरी भी करते हैं मेरे पास, मेरा क्लासेस चलता है तो पूछने के लिए कि अभी कौन से क्लास है, ये है वो है। तो सीजलर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, तो सीजलर जो है वो कोई एक डिश नहीं है, ना वो कोई क्विजीन की डिश है, या ये मैक्सिकन भी नहीं है, ये चाइनीज भी नहीं है, ये जापानीज भी नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से हम फूड को सर्व करते हैं, ठीक है। तो पाइपिंग हॉट फूड सर्व्स ऑन कास्ट आयरन प्लेट, और उसका जो बेस है वो वुडन है। तो ऐसी सीजलर प्लेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ये वुडन बेस है, जब हम इसको सर्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे बेस के साथ, क्योंकि ये प्लेट बहुत गर्म है तो इसको डायरेक्टली हम कभी भी सर्व नहीं कर पाएंगे। तो एक स्ट्रीट फूड जो है उसको मैंने एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में सर्व कर सके वैसे डिश बना दी है, यानी इसको हम एज अ मील आज जो हम बनाए रहेंगे वो एज अ मील अपने लंच या डिनर में वैसे तो खाते हैं सूरत में बहुत सारे लोग, लेकिन ये जो हम लोग सीख रहे हैं वो हम स्नैकी उसको थोड़ा सा स्नैकी रूप में दे रही हूँ, यानी नाश्ते में आप खा सकते हैं, ठीक है। और इसको डेफिनेटली सीजर एज अ सीजर हम लोग सर्व कर रहे हैं, तो हम लोग डाइनिंग टेबल पे ही इसको सर्व करेंगे। जो हमारे गेस्ट आपके फैमिली मेम्बर्स या गेस्ट को जब आप सर्व करते हैं तो डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के इसको खा सकते हैं, क्योंकि लोचा ऐसी डिश है 10 मिनट्स हो चुके हैं तो लोचा हमारा स्टीम हो चुका है, तो मैं बंद कर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आस्किंग कि प्लीज रिपीट आफ्टरवर्ड्स, प्लीज रिपीट करना स्लो स्लो, सो कैन यू आंसर दैट दैट द वीडियो विल बी अवेलेबल, राइट, यू कैन टेल। यस, बाद में ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी बार चाहे। हाँ, लेकिन मैं जब हमारा ये शो खत्म करूंगी उस टाइम पे पूरा एक रिकैप दे दूंगी, सो डोंट वरी। ये जो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, थोड़ी सी मैं हाइपर हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि कुकिंग सिखाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा स्लो बोलूँ जिससे आप बहुत अच्छी तरह समझ पाए, ठीक है। और मैं हर इतने सालों से कुकिंग सिखा रही हूँ ना, फिर भी मुझे मेरा हर शो जब भी मैं सिखाती हूँ मेरे कहीं भी, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ, तो मेरा एक्साइटमेंट वो ही रहता है। पीपल आस्किंग प्लीज टेल अगेन द हैलापीनो रेसिपी। यस, बता दो सब कुछ। अभी हम लोग थोड़ा सा वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे, तो अमूल बटर जल नहीं जाए इसलिए पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल को स्प्रे कर दिया है, उसके साथ थोड़ा सा बटर, ओके, जिससे वेजिटेबल में बहुत अच्छा एक बटरी टेस्ट आएगा। और ये सारे वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसमें पनीर है, कैप्सिकम है और कॉर्न है और स्प्रिंग अनियन वाइट्स है, थोड़े से ग्रीन्स भी है, तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, पनीर, कैप्सिकम, कॉर्न और स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, ओके, इसको फुल फ्लेम पे स्टर फ्राई कर लेंगे, जिससे सीजलर एज अ सीजलर जब हम इसको सर्व करें उस टाइम पे इस वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आए और खाने में बहुत अच्छा लगे। जनरली जैसे मैंने बताया, ये जो लोचो डिश है जिस जब सर्व की जाती है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्याज सर्व किया जाता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो फेमस लोचा जहाँ मिलता है, अगर मैं बात करूँ भोपाल लोचो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जैसे शेफ रणवीर यहाँ आए थे सूरत में, तो उनको पूरी फसान वॉक मैंने कराई थी, उनको बहुत अच्छा लगा था, भोपाल लोचो में गए थे हम लोग तो बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने एक मॉडिफिकेशन करके भी ये डिश को बहुत अच्छा नया रूप दिया था, तो वो तो शेफ है, तो इनके साथ मैं सच बताऊं मुझे सूरत घूमने का जो मज़ा आया है आज तक मुझे कभी नहीं आया। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट, हम लोग जो इसको स्टर फ्राई कर रहे हैं
इसको सीजन करेंगे हम लोग ये मिक्स हर्ब्स। रतिका जी पूछ रहे आर दीज वेजिटेबल्स बॉइल्ड और रॉ? नो, सिर्फ जो कॉर्न है इसको ही हमने ब्लांच किया हुआ है, ठीक है, बाकी सब कुछ कच्चा है। कैप्सिकम है, पनीर है, उसको हम लोग स्टर फ्राई कर रहे हैं। वैसे तो ये सीजनर में जैसे मैंने बताया, इसको मैं अगर एज अ डिनर या एज अ लंच सर्व करूँगी तो मैं इसमें बहुत कुछ और भी ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए मेरे मील में। तो इसमें मैं चाहूँ तो ब्रोकली भी ऐड कर सकती हूँ, कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकती हूँ, ट्राई कलर बेल पेपर्स, मशरूम जो खाते हैं मशरूम, पनीर की जगह टोफू भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाला जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग इसको एक नाश्ते का रूप दे रहे हैं, इसलिए मैंने वेजिटेबल्स ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो लोचों के साथ नाश्ते में खाने में अच्छे लगे, ठीक है। इसको फुल फ्लेम पे हम लोग स्टर फ्राई कर रहे हैं अमूल बटर के साथ, और इसमें ये मिक्स हर्ब्स, अगर आपके पास घर में जो भी ड्राई हर्ब्स है, ऑरेगानो है, उसके साथ बेजिल है, पार्सले है, ऐसा ड्राई पार्सले, राइट, ड्राई पार्सले, थाइम है, रोजमेरी है, तो सब कुछ, अगर आपके पास समझो कुछ नहीं है, सिर्फ ऑरेगानो है तो ऑरेगानो चिली फ्लेक्स, दैट्स इट, ठीक है। जो भी आपके पास हर्ब्स है सारे मिक्स कर दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, और इसको हम लोग, मैंने इसमें पार्सले भी ऐड किया हुआ है, रोजमेरी है, थाइम है, सब कुछ है, और थोड़ा सा हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जब ये हम लोग खाए तब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। अमूल बटर में भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट डालते वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सीजनर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है एक सॉस के बिना, तो ये स्टर फ्राई करने के बाद एक हम बहुत अच्छा चीज़ चिली सॉस बनाएंगे, जो हम लोग अमूल का ही अमूल बटर, अमूल क्रीम और अमूल के चीज़, तीनों चीज़ को मिक्स करके हम लोग इसके ऊपर सीजनर को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें भी थोड़ा सा विनेगर हम लोग ऐड करेंगे, अंजलि धनराजानी जी इज आस्किंग कैप्सिकम ग्रीन और येल्लो। देखिए ये आपकी डिश है, आपकी मर्जी है, आप चाहे ग्रीन डालो, आप चाहे रेड डालो, आप चाहे येल्लो डालो, आप चाहे ना डालो, ठीक है, आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने डिश को जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश की है। मैंने अभी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करी है जो हर एक के घर में अवेलेबल होगी, कॉर्न, कैप्सिकम एंड पनीर, ठीक है। तो ये देखिए पूरा स्टर फ्राई होके हमारा मिक्सचर रेडी है सिज़लर प्लेट में जाने के लिए, और सिज़लर का सही मजा तभी आता है जब आप इसको, जो डिश इसमें सर्व हुई है उसको आप सिज़लर प्लेट में से ही खाओ, ना कि उसको ट्रांसफर करके खाओ, ठीक है। तो इसका सही मजा सिज़लर प्लेट में से ही खाने के लिए आएगा। तो आपके घर में अगर 6 फैमिली मेंबर्स है तो आप 6 सिज़लर प्लेट लो, चार है तो चार लो, ओके, ठीक है। इसको हमने स्टर फ्राई कर दिया है, इसको हम रखते हैं साइड में, और अभी हम लोग चीज चिली सॉस बनाएंगे जो इस सिज़लर को कंप्लीट करेगा। ओके, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले अमूल बटर, जैसे मैंने बोला ये अमूल का अमूल्य सॉस बनेगा, क्योंकि अमूल के तीन प्रोडक्ट जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं वो चीज़ें हैं इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अमूल बटर हमने लिया है, ओके। उसके बाद स्पिनच प्यूरी, इसका नाम है चीज़ चिली सॉस, इसके बहुत सारे और भी यूज है, मैं एक बार बना दूँ उसके बाद आपको इसके बारे में और बताती हूँ। वैशाली किंगर जी इज टेलिंग दैट इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, यस, एंड अर्नब सेन गुप्ता जी, डू यू हैव एनी यूट्यूब चैनल? नहीं, यूट्यूब चैनल मेरी नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अब तक मैंने नहीं सोचा है कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूं। हाँ, लेकिन आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उषमा धरो देसाई मेरी प्रोफाइल है, और इंस्टाग्राम पे उषमा फूड डिज़ाइनर मेरी प्रोफाइल है, तो आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किचन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप ज़रूर मुझे पूछिए, मैं आपका आंसर देने की 100% कोशिश करूँगी। ओके, तो बटर हमने लिया है एक पैन में, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे स्पिनच प्यूरी, ओके, पालक,
जिससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आ जाएगी डिश में और उसके साथ इस चीज सॉस को बहुत अच्छा एक ग्रीन कलर देगी। स्पिनच प्यूरी बहुत इजी है बनाना। उबलते हुए पानी में पालक के पत्तों को आपने ब्लांच कर लिया और ब्लांच करके आपने रनिंग वाटर को रिफ्रेश करके थोड़ी देर फ्रिज में रख के उसको थोड़ा सा कोल्ड कर चिल्ड कर लिया और चिल्ड करने के बाद आप मिक्सी ग्राइंड में उसको ग्राइंड कर लीजिए तो बहुत अच्छा एक आपकी ग्रीन स्पिनच प्यूरी ऐड होगी। इसमें कोई सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीज सॉस। आप अमूल का रेडी चीज सॉस ले सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा चीज सॉस इसमें ऐड करेंगे। ओके, और इसके बाद इसमें जाएगा अमूल का फ्रेश क्रीम। ओके, अमूल के फ्रेश क्रीम की अगर खास बात करूं तो इसका यूज इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा वर्सेटाइल प्रोडक्ट है अमूल का। इसका यूज आप पंजाबी सब्जियों में, पास्ता में, सूप में, केक का जो फ्रॉस्टिंग होता है उसमें, चॉकलेट घनाश बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। फ्रॉस्टिंग में चॉकलेट की बात कर रही हूँ, जब चॉकलेट को हम तोड़ते हैं क्रीम से यानी घनाश बनेगा, फिर उसमें व्हिप क्रीम ऐड करके चॉकलेट का पूरा आप गार्निशिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये सॉस में ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे हम लोग, हल्का सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि अमूल बटर और अमूल चीज़ का यूज़ किया है तो सॉल्ट ऑलरेडी इसमें है। सलोनी रजत मेहरोत्रा इज आस्किंग कितने दिन तक स्पिनच प्योरी फ्रेश रहेगी फ्रिज में। एक मिनट, स्पिनच पे मैं आती हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये हमने जो मिक्स सीजनिंग जो स्टर फ्राई में डाला था वही हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, स्पिनच की अगर बात करूँ, सॉस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। डिश हमारी रेडी है, अब हम लोग सर्व करेंगे, लेकिन तब तक मैं इनका आंसर दे देती हूँ। There are lot of other questions. Yes, yes, yes. Spinach के बारे में पहले बात करते हैं। Spinach, मैं मेरा स्टाइल बताती हूँ। Spinach जब मैं मार्केट से लाती हूँ, समझो आज मैं मार्केट से लाई और मेरा बनाने का स्पिनच प्यूरी से कुछ भी डिश बनाने का प्लानिंग कल है या परसों है या चार दिन के बाद है, तो मैं क्या करूँगी कि स्पिनच को जिस दिन मैं लाती हूँ उसी दिन स्पिनच की जो गड्डी होती है उसको जहाँ से बांधा जाता है वहीं से आप उसको काट लीजिए, पत्ते को मत काटिए, वहीं से काट लिया आपने और एक बहुत सारे पानी में उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया पालक के पत्तों को, ठीक है। उसके बाद वॉश करने के बाद एक बड़े से बर्तन में ढक्कन लगा के पानी उबालने के लिए रखे। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए उसके बाद धुले हुए स्पिनच के पत्ते आप उसमें डाल दीजिए और 4 to 5 minutes में, वैसे टेंडर जो होती है विंटर में जो मिलती है वो 4 minutes में हो जाएगी, कभी कभी थोड़ी सी अगर हार्ड आएगी तो 5 minutes में आपका पूरा स्पिनच ब्लांच हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और उसको खुला ही रखना है, ढकना नहीं है और उसको थोड़ा स्टर करते रहना है। तो 4 to 5 minutes में जब हमारी स्पिनच के पत्ते ब्लांच हो जाए उसके बाद फ्लेम को बंद करके हम उसको स्ट्रेनर में ले लेंगे, रनिंग वाटर से रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद उसको हम लोग, अगर हमको अभी इसका यूज़ करना है समझो स्पिनच प्यूरी का, तो हम उसको डीप फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, आपके पास जितना टाइम है उसके ऊपर। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि आज मैं स्पिनच लाई हूँ लेकिन मेरा स्पिनच प्यूरी से बना डिश बनाने का प्लानिंग 2 दिन के बाद है या 3 दिन के बाद है, तो मैं उसको फ्रिज में रख दूंगी मिनिमम 24 घंटा। एक दिन के लिए मैंने रखा, कल जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वो पत्तों को प्यूरी बना के रख दूंगी और फिर जब मैं उसका डिश बनाना चाहूंगी तो 1 वीक तक ये जो स्पिनच प्यूरी है बहुत अच्छी रहेगी फ्रिज में, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल आस्किंग हाउ टू मेक क्रीम चीज और द चीज सॉस एट होम। क्रीम चीज़ हमारा डिश में नहीं है, अगर मैं वो सेशन लेने जाऊँगी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पहले डिश को कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा बात करते हैं। और चीज़ सॉस, हाँ चीज़ सॉस डेफिनेटली मैंने इसमें यूज़ किया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगी। चीज़ सॉस बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अमूल बटर हमने लिया बहुत कम, कोई भी नॉन स्टिक पैन में बहुत कम अमूल बटर, क्योंकि सिर्फ पैन को ग्रीस करना है। उसके बाद उसमें ग्रेटेड प्रोसेस चीज़ अमूल की हमने डाल दी और उसमें अमूल क्रीम या अमूल मिल्क कुछ भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्रीम थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हैं, ओनली मिल्क भी डाल सकते हैं। और मिल्क डालने के बाद आप उसको स्लो फ्लेम पे स्टर कीजिए, बहुत अच्छा एक चीज सॉस रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका लम्स वैसे होता ही नहीं है लेकिन आपको लगे कि थोड़ा सा लंपी लग रहा है, थोड़ा सा अनइवन लग रहा है, इतना स्मूथ टेक्सचर नहीं है, तो फिर आप ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इस चीज सॉस को
आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, डीप फ्रिज में उसको स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रहेगा और 3 से 4 महीने या 5 महीने तक वो डीप फ्रिज में रहता है बहुत अच्छी तरह। हाँ, लेकिन डीप फ्रिज से कभी भी कोई चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बार बार उसको निकाला, डिफ्रोज किया, यूज़ किया, वापस डाला, ऐसा नहीं करना है। अगर एक बार निकाला तो उसको पूरा यूज़ कर लो। ओके, तो हमारा ये जो चीज़ चिली सॉस है वो रेडी है, हमारा लोचा जो स्टीम होके है वो भी रेडी हो चुका है और स्टर फ्राई वेजिटेबल्स भी रेडी है। ओके, अभी सीज़र को कंप्लीट करेंगे। सीज़र प्लेट सीज़र ना होने की एक वजह ये भी है कि सीज़र प्लेट जो है वो अच्छी तरह अगर गर्म नहीं हुई है तो भी आपका सीज़र कभी भी सीज़र नहीं करेगा। तो अच्छी तरह सीज़र करने का सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है जब आप सीज़र बनाने का आपका प्लानिंग है, तो सीज़र प्लेट को जो कास्ट आयरन प्लेट है उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 30-40 मिनट्स के लिए आपको इसको फुल फ्लेम पे गर्म करना है। ओके, और सीज़र का कॉन्सेप्ट मैं बहुत क्विकली अगर क्लियर करूँ तो समझो यही सीज़र में यहाँ बैठे हुए 10 से 15 लोगों को सर्व कर रही हूँ। जैसे एक सीज़र में से 3 लोग शेयर करेंगे तो मुझे 3 सीज़र सर्व करने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो कास्ट आयरन की प्लेट है उसको उसके ऊपर ही दूसरी प्लेट पाइल करूँगी ऐसे। ठीक है, तो तीनों प्लेटों को साथ में हम लोग गर्म करेंगे, चाहे वो 40 मिनट्स हो या 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, आपके पास जितना टाइम है। तो अभी हम लोग एक ही सीज़र सर्व कर रहे हैं तो सीज़र प्लेट पूरी तरह गर्म हो चुकी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें चाहिए इसको सीज़र करने के लिए, यहाँ ये दिखाती हूँ, ये है ऑयल, विनेगर और चिल्ड वाटर, यानी हमने आइस क्यूब्स डाला हुआ है। तो आइस क्यूब्स वाला पानी, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा विनेगर, इसका मिक्सचर है जो हम लोग इस प्लेट में डालेंगे जिससे ये सीज़र करेगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है सीज़र बनाते वक्त, ज़्यादातर जैसे मैंने बताया लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि सीज़र जो है वो सीज़र नहीं करता है। ठीक है, तो सीज़र ना करने की एक वजह ये भी है कि अगर ये जो पूरी कास्ट आयरन की प्लेट है उनको पूरी कवर कर देते हैं कैबेज के पत्तों से। ठीक है, कैबेज के पत्ते रखने का रीज़न यही है कि हमारा जो फूड है वो जल ना जाए। लेकिन आपको ये भी करना है कि ये जो कैबेज के पत्ते आप रखो उसको अच्छी तरह वॉश करके, हमने छोटे छोटे उसको साइज में काट लिया है और इसको सीज़र प्लेट को पूरी कवर नहीं करनी है, राइट, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है तभी आपका सीज़र जो है वो सीज़र करेगा। ओके, तो ये देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है। अच्छा, एक और बात सीज़र की कि जब आपने कैबेज के पत्तों को अच्छी तरह रख दिया उस टाइम पे फ्लेम ऑन ही रखना है, उसको बंद नहीं करना है। ठीक है, फ्लेम ऑन रहेगा और जो फूड हम इसमें सर्व करेंगे डालेंगे वो भी गर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपने पहले से बना के रखी है और विंटर का टाइम है तो वो ठंडी हो चुकी है, तो फिर आप उसको माइक्रोवेव कर लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ठीक है, लोचो हमारा गर्म है, हमारा चीज़ चिली सॉस जो है वो भी गर्म है और हमारा वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर है वो भी गर्म है। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये देखिए यहाँ पे ये लोचो हमारा रेडी हुआ है गर्मा गर्म। ये एक कंप्लीट मील है अपने आप में क्योंकि इसमें दाल भी है, वेजिटेबल्स भी है, ठीक है, दही भी है और स्पिनच भी है। स्पिनच से हमको आयरन मिलेगा, सब कुछ कंप्लीट मील आपका हो जाएगा। ठीक है, सीज़र हमने सीज़र प्लेट में हमने लोचो गर्मा गर्म लोचो रखा हुआ है, उसका बॉर्डर हम लोग करेंगे। ये पनीर और वेजिटेबल का जो हमारा मिक्सचर है उससे, वैसे तो सीज़र को हम एज अ मील जब लेते हैं डिनर में, ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े कटिंग में सारे वेजिटेबल्स होते हैं ब्लांच किए हुए, चाहे फिर वो फ्रेंच बीन्स हो या कैरेट हो या ब्रोकली हो, लेकिन अभी हम लोग एक नाश्ते का रूप दे रहे हैं ये सीज़र को, इसलिए हमने उसको कटिंग जो है वो एकदम छोटा किया है। ओके, अभी इसके बाद ये जो हमने चीज़ चिली सॉस
स्पिनच के साथ जो बनाया है उसको सर्व करेंगे। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, राइट। उसके बाद सीजर, यस, एक और चीज हमें अभी हम थोड़ा सा अमूल प्रोसेस चीज वो ऐड करेंगे, क्योंकि चीज लोचो जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोग बटर और अमूल का बटर और अमूल की चीज के साथ लोचो बहुत खाना पसंद करते हैं। और इसका टॉपिंग हम लोग ये जो चिली को हमने स्टर फ्राई किया था अमूल बटर के साथ विनेगर के साथ वो रखेंगे, ओके। ये चिली खाने में बहुत ही मीडियम स्पाइसी, ऐसा समझो कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, और इसके साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्याज को हमने जानबूझ के स्टर फ्राई में नहीं लिया है, क्योंकि ऑलवेज इसके साथ कच्चा प्याज खाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्याज की रिंग हमने बना दी है, ठीक है, और अनियन रिंग्स को हम लोग थोड़ा सा सीजन कर लेंगे। ये मेरा फर्स्ट सेशन है अमूल के साथ और रियली मैंने बहुत एंजॉय किया। जैसे मैंने बताया, कुकिंग सिखाना मेरा पैशन है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरा एक्साइटमेंट ऐसा होता है कि जैसे मैं पहली बार ही सिखा रही हूँ, पहली बार ही मेरा प्रोफेशन से मैं जुड़ी हूँ और सिखा रही हूँ। हल्का सा विनेगर इसमें भी ऐड कर देंगे। तो अनियन रिंग्स को हमने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और विनेगर के साथ कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये अनियन रिंग्स जो है हम इसको चॉप करेंगे, ये सीजलर को। उष्मा जी सब पूछ रहे हैं, हाँ मैम, कैबेज लीव्स हाई फ्लेम पे बर्न नहीं होंगे? बर्न होंगे तो अच्छा है ना, सीजलर में बर्न होने चाहिए, और बर्न कैबेज खाने में बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है, ओके। अभी हम इसको जब सर्व करेंगे उस टाइम पे ये सीजलर प्लेट में ये जो मिक्सचर है हमारा वो यहाँ पे भी रखना है, यानी दोनों स्टाइल से दोनों जगह से ये सीजन करेगा, ठीक है। ये देखिए विनेगर, ऑयल और आइस क्यूब, विनेगर ऑयल और आइस क्यूब का कॉम्बिनेशन के साथ हमारा सीजनिंग लोचो, यस। ये जो हमारी वुडन ट्रे है उसमें भी हमने ये मिक्सचर डाला है, ठीक है, ओके। और इसको आप गलती से भी ना छुए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होगा और आपका हाथ जल सकता है। तो ये है हमारा सिजलिंग लोचो, सूरत की एक बहुत ही फेमस और कॉमन डिश को हमने एक नया रूप दिया है, एक स्नेकी स्टाइल से इसको सर्व किया है, और एक अपने आप में एक कंप्लीट मील है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, साथ में अमूल बटर, अमूल चीज़ और अमूल क्रीम का यूज़ करके हमने, और मैं डेफिनेटली मैं मुझे पता है कि ये डिश आपको 100% पसंद आएगी। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और आप मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे उष्मा फूड डिज़ाइनर, और फेसबुक पे उष्मा घरव देसाई मेरी प्रोफाइल है, और आप मुझे मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। कुकिंग में कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल थैंक यू फॉर द यम्मी डिश एंड वेरी टेम्प्टिंग, वेरी गुड रेसिपी, उनको खाने का भी मन हो रहा है, मैनी पीपल माउथ वाटरिंग। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए बस एक ही चीज़ कहनी है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, और दिस इज उष्मा देसाई साइनिंग ऑफ, कीप कुकिंग एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।